हलवा मुझे याद है, बल्कि हलवा नहीं, हलवे का जलवा। सुभानअल्लाह। इस वक्त हमारी इस महफिल में मेरे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतशम हुजूर क़िबला शेख़ुल हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़ाक़ सिद्दीकी साहब की तशरीफ़ फरमा है और हमारे इंतहाई मुवक्किल और मोहतरम हजरत अल्लामा डॉक्टर अब्दुल वाहिद अल अज़हरी साहब भी और ख़तीब मिल्लत उस्ताद उलमा मौलाना गुलाम गुल मोहम्मद साहब सियालवी भी जलवागर हैं और दीगर उलमा के साथ क़िबला पीरे तरीक़त राहबर शरीयत हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों का सुरूर हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर अब्दुल रज़ाक शाह साहिब, आपने मुझे टेलीफोन पर बरादरान इस्लाम कुछ चीज़ें तो मैंने अपने टूटे टूटे शेरों से वाज़ेह कर दी है। इश्क, इश्क से पहले मोहब्बत का लफ्ज आता है। इमाम गजाली कहते हैं जब मोहब्बत में शिद्दत आती है तो इश्क बन जाता है। हद में रहे तो मोहब्बत होती है, जब हुदूद कुयूद को पार करे और जो नजर ना आए उससे प्यार करे और फिर आग में छलांगे लगाए और चीखू में किसी का इंतजार करे तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, वो इश्क बन जाता है। इसलिए अब आगाज अंजाम की मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि हर नजारा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, मगर शुरू करूं मैं कहाँ से पहले, क्योंकि इस पूरी कायनात की बेस बुनियाद इश्क है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने कहते हैं कि ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन इमाम, ना से ना ही ना थी माने इश्क असाड़ा दीन इमाम। और शुरू कहां से हुआ, कहते कुन तो कंजन इश्क गवारी, कुन तो कंजन इश्क गवाही पहलू हो खुद जात गवाही, जय सांगे थिया जुमल जहां और इश्क है हादी हादी प्रेम नगरता, इश्क है राह पर राह फकरता, इश्को हासिल है इरफान। इस पूरी कायनात की जड़ इश्क है, इस पूरी कायनात की बुनियाद इश्क है, इस पूरी कायनात का एतबार इश्क है। और इश्क उर्वार की शय नहीं, पार की शय। क्या समझे, इश्क उर्वार की शय नहीं, पार की शय है, सीधा कहूं तो परवरदिगार की शय है। ये बंदों के पास बाद में आया है, इश्क पहले किसी और ने फरमाया है। ख्वाजा फरीद ने तो इशारों से काम लिया, इशारों से काम लिया, वारिस शाह ने हथौड़ा उठा लिया। आपने और फरमाया हजरत ख्वाजा फरीद ने है तो वो चिश्तियत, लेकिन उन्होंने कहा कि कुन तो, यानी हदीस का सहारा लेके कुन तो कंजन इश्क गवाही पहलू हो खुद जात नुआही, जैसा गे थिया जुमल जहां, ये जो कुछ मौजूद है इसके
पीछे हजरत इश्क का वजूद है और मुनकर इश्क का पढ़ लिख के मर्दूद है। ख्वाजा फरीद कहते इल्म अमल भूल वेसी जे कर, इल्म अमल भूल वेसी जे कर इश्क पियो कन रस मेरिया जी, इश्क पियो कन रस मेरिया जी, इश्कू मूल फरीद न फिर सू रोज नमी हम चस मेरिया जी, और जे कर लगड़ो चाट बिरू दी जय कूडे से दस वे मियां जी। ये मियां जी को खास तौर पर मुखातब फरमाया है क्योंकि अक्सर यही आड़े आया है, पता नहीं तुम समझ आया है कि नहीं आया। मुझे रास्ता जरा सीधा कर दे, कीचड़ बहुत नहीं समझ रहे आप। गौर फरमाए कि जो बंदा लाहौर से चले फिर सलाया आलमगीर फिर आके पहुंचे यहाँ पे, इतनी लंबा चक्कर लगाया और बारिश ने सुहावे से करम फरमाया और आगे से मुझे तो पता नहीं था कि ये हद है कि त्रय हद है, ये तो अब पता चला कि ये ला हद है। हजरत साहब कोट बुल्ले पहुंच कर बंदे को समझ आती है कि इश्क क्या है। एक फकीर था वो कहता था इश्क दी मंजल दूर तू दूर, इश्क दी मंजल दूर तू दूर, मता समझे जो ओ है ना सरहद ना लैन सीधी, गौर किया ना सरहद ना लैन सीधी ना मील उठा ना को है, कई रोल मर गए विच राहत, कई रोल मर गए विच राहत, लाशे दा अंबो है याद निवी फरमान फरीदी, इश्क नहीं सिर रो है बिन मुर्शिद दे पंथ ला हद दा वाकिफ गया ना को है, जे कर मुर्शिद नजर चभाले वाल ए जतन दी जो है। इसलिए हजरत का फरमान हक है कि सरायकी, लेकिन मैं सरायकी में टेस्ट लूंगा कि आपको समझ भी आती है। मैं उस बावलपुर वाले इलाके में, उन्होंने कहा सरायकी, मैंने कहा टेस्ट लूंगा पहले आपको सरायकी आती है, जाहिर है वो तो अपना जद्दी पुश्ती सरायकी करे लगा लै। मैंने कहा काकुल जुल्फ कुंडल दिल भर दे गब गब नाल मसल दिन, काकुल जुल्फ कुंडल दिल भर, काकुल जुल्फ कुंडल दिल भर दे गब गब नाल मसल दिन, नम खमदार खमो खम खलिया तीर कजा दे चल दिन। इसलिए अगर कोट गुल्ला शरीफ में मचाना हुल्ला तो पहले तो टेस्ट होगा कि सरायकी आती भी है कि नहीं, ये ऐसे चस ले रहे हैं। अब ये कर रहा हूं इस कायनात की बुनियाद इश्क है, और इश्क से पहले किया किसने
हजरत ख्वाजा फरीद ने तो हदीस का सहारा लिया और पर्दे में अहिस्ता से बात की। वारिस शाह ने उठ के कहा सुभान अल्लाह कि जब कहना सच जितना मचदा है मच, बोल चौराहे बेच सच। क्या शाह जी कहने लगे, पहला आप खुदा ने इश्क किया, पहला आप खुदा ने इश्क किया ते माशूक है नबी रसूल मियां। इसलिए शाह जी भी कुरान पढ़ आलिम तो नहीं, ये तो पढ़े लिखे पीर है। इन्होंने भी जो उन्वान मुझे दिया कुछ जान बूझ कर दिया, और इन्होंने चुनौती लगाई है। और काम पीरों का यही होता है कि ये चिंगारी बस धर दे, इसको कहते हैं सुनने सीने सोज फिराक दी तार आई, माही हाथ लाया ओ वजप सीन सामरिया मन मोह लिया, मेरी होर सबो धज भज भई। आज तकरीर जो है वो सूफी वाली होगी, तलीने शलीने आज सही है, वो खाता बिल्कुल। आज बात होगी उशाक सीना चाक, गुलामा ने शहे लौलाक सर से लेकर पांव तक पाक। इसलिए जहन में रखें और हाजिर रह के मजा। इतनी जल्दी जल्दी असर लाए बैठे, वरना मैंने 15 साल जहां जुमा पढ़ाया उन्हें अभी तक समझ नहीं आया। अल्लाह जाहिर है ये फकीरों का सरमाया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप समझ गए, मैंने अर्ज किया है इस पूरी कायम, इस उर्दू में कहते इश्क ही पाए से तकवीने जहां है राफे, इश्क ही पाए से तकवीने जहां है राफिल, तूने समझा है एक अमल है बेकारी का। नफ्स परस्तू ने इस लफ्ज को बदनाम किया, अंदर के नीचू ने गंदे पीचू ने। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब ने कहा था कि हर पुल हवस ने हुस्न परस्ती शियार की, अब आबरू ए शेवाए अहले नजर शैतान के गुलामों में बुराई के इमामों ने लफ्ज इश्क को बदनाम किया, वरना ये इश्क इतना मुकद्दस है इतना पाक है, इतना पाक है, इतना सुच्चा है, इतना उच्चा है, शैतान का मुनकिर दोनों जहान में लुच्चा। इश्क का जज्बा सबसे उच्चा और सुच्चा है। मैंने आला हजरत का इशारा दिया, 72 उलूम का माहिर आलिम, इल्म और फन का शहंशाह था, नबी के दर का सच्चा गदा था, वो मर्द हकीकत में मर्द बा वफा था, नाम जिसका अहमद रजा था। उसने कुछ सोच समझ के कहा था, क्या कहते अरूहो फिदा का, ये अरबी शरीफ, अरूहो फिदा का फाजिद हरक, इश्क को दुआ दे रहे हैं, कहते अरूहो फिदा का ओ सोना इश्क, तेरे ते मेरा मन कुर्बान, तेरे ते मेरा तन कुर्बान।
इश्का वल वल सादे दिल खसे इश्का शाला जी में अरूह फिदा का फाजिद हर का जेड़ी अग लाई आई होर ला चिंगारी नू शोला बना शोले नू भट्टी बना भट्टी बेच मैनू जला शाला खुशवत अरूह फिदा का फाजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्क एक होर शोला दे एक होर भट्टी जला मैनू अगला मैनू बिल्कुल मिटा राजी रहे तेरे ते खुदा वे इश्क। हजरत साहब ये कौन कह रहे इमाम अहमद रजा। लोग समझते हैं शायद उलमा रुखे होते हैं, वह जो रुखे होते हैं वो जाहिल इल्म से भूखे होते हैं। जिन्होंने हकीकी इल्म पाया है इश्क उन्हीं का सरमाया है। इसीलिए आला हजरत कह रहे अर्रूह फिदा का फज़िद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्क का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना मोरा तन मन धन आले नबी इब्ने अली मदीने की गली पीर मेरे अली कह रहे हैं तन मन धन सब तुझ पे वार देवा मैं वार देवा कौन पिया तेरी याद है मन का चैन। इतने बड़े अल्लामाए ज़मान हजरत इश्क पे कुर्बान इसलिए कोट गुल्ले में है यही बयान इस पे नाते कहे खुद खास कुरान। अब मैं अर्ज कर रहा था बुनियाद कायनात की इश्क है कुन तो कंजन सूफिया ने इस हदीस को नकल फरमाया हजरत मुजद्दद पाक जैसे फर्द और मर्द ने बताया। कहते हैं अल्लाह सोने ने खुद बताया क्या कुन तो कंजन ये इस कायनात की बुनियाद की कहानी है अल्लाह सोने की जुबानी है। अल्लाह सोना फरमाता है कुन तो कंजन मैं छुपा हुआ खजाना था वो भी एक जमाना था न किसी का आना था न किसी का जाना था कुन तो कंजन मैं अल्लाह था बिल्कुल कल मैं अल्लाह था मैं तन्हा था मैं यकता था सिर्फ खुदा था। अब जरा जाके सुनना कुन तो कंजन मैं छुपा हुआ था मुझे कोई जानता न था मुझे कोई मानता न था होता तो कोई मान कुछ भी न था मौला कुछ भी न था सिर्फ तू था पर मैं हाँ मैं था फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फरमाया फअहबब तो फिर मुझे प्यार हुआ। अब समझ गए आप कि अल्लाह के बाद जो पहली चीज हुई फअहबब तो मुझे मोहब्बत हो गई मुझे प्यार हुआ किस से नहीं समझ। मोहब्बत के लिए दो फरीकों का होना जरूरी है एक प्यार करने वाला एक जिससे प्यार हो तो आप तो था कल्ला फिर प्यार किस से। याद रखो प्यारे लोगों कभी कभी अपने आप से भी प्यार होता है अपने आप से भी
जे नहीं होंदा ना ते सवेरे सवेरे ते मुंह अंधेरे ते उठी ते शीद शीशे दे फेरे सुभान अल्लाह बुजुर्ग तो गुजारा फरमाने पर जड़ी नवी नसल मौलाना साहब की पगड़ी फिट नहीं हो फिर शीशे के आगे फिर शीशे के आगे वह सबर भी कर आता है फिर शीशा जाता है फिर आईने के सामने चक्कर क्या है अपने आप को देख के खुश हो रहा है अपने आप से प्यार फरमाया तो मुझे प्यार हुआ कैसे सच्ची बात कहा अमको रफा मुझे प्यार हुआ मैं मुझे मोहब्बत हुई किस बात से इस बात से अमको रफा कोई तो मुझे भी जाने कोई तो मुझे भी पहचाने कोई ते मैनू भी अख रखे कोई ते मेरे भी प्यार दे मजे चखे कोई मेरे वास्ते रोवे कोई तड़पे कोई फड़के कोई आह करे कोई वाह करे कोई हक करे कोई हू करे कोई धू करे अल्लाह अल्लाह मैं मुझे शौक हुआ कोई मुझे जाने कोई मुझे पहचाने कोई मेरे लिए रोए कोई मेरे लिए तड़पे पता तो चले मैं हूँ फिर मौला तूने क्या किया फरमाया जब मुझे प्यार हुआ इस बात से मैं जाना जाऊं मैं पहचाना जाऊं तो फखलक तो मुहम्मद خلق کی جگہ میں نے حضور کا نام ہی لے دیا یہ مسئلہ پہلے ہی کھل جائے کہ میں نے محمد عربی بنا ڈالا مولا اس کا مطلب ہے تیرے پیار کا پہلا ریزلٹ تیرے پیار کا پہلا نتیجہ کیا ہے اس کا نام تیرے پیار کی پہلی تجلی محبت کا پہلا جلوہ تیری محبت کا پہلا رزلٹ کا کیا ہے فرمایا محمد جب اپنا آپ جنوانا چاہا اپنا آپ منوانا چاہا پیار جو ہوا بس پیار کے نتیجے میں یار آیا یار سے پیار آیا پیار کے نتیجے میں یار آیا اللہ اکبر فرمایا جب اسے بنایا یا اللہ تیرا کم دے ہو گیا نہیں تو نے چاہا تھا کہ مجھے میں بناؤں اسے کہ مجھے پہچانا جائے مجھے جانا جائے تیری محبت کا رزلٹ آ گیا اب تو نے اسے بنا کر اپنا کام کر لیا پر اسے کیوں بنایا اسے کیوں بنایا اسے کیوں بنایا اسے کیوں بنایا فرمایا بات واضح ہے اپنا آپ پہچانوانا جنوانا بتانا تھا اسے بنایا پھر پیار ہوا اس بات سے کہ تو مجھے جانے کوئی ایسا بھی ہو جو تجھے جانے تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں آپ سمجھے ہیں یہ خود محمد عربی بھی نتیجہ ہے عشق کا یہ کائنات بھی نتیجہ ہے اب خواجہ غلام
فرید کی بولی سمجھے, کہتے کن تو کنزن عشق گواہی ملا جی, یہ جو کن تو کنزن والی بات ہے یہ عشق کے اوپر یہ گواہی ہے, پہلو ہو خود ذات نو آئی جیسا گے تھیا جمل جہاں نا سے نا ہی نا تھی مانے عشق اساڑا دین ایمان. اب آگے تھوڑا سا قدم بڑھائیں, یہ جو پوری کائنات ہے یہ جو پوری کائنات ہے اس کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے. کس کے بھائی؟ جنت ہے, جہنم ہے, آسمان ہے, زمین ہے, سب کچھ ہے. اس سب کچھ کی قیمت انسان کو بیچ میں سے نکال دیں, باغ سیر کون کرے گا, انگور ہو کھائے گا کون, کوئی کھانے والا تو ہو, پھول ہو تو کوئی سونگھنے والا بھی تو ہو. بتا یہ چلا کہ اس خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار تو مرد میدان تو میر لکر نوری حضوری تیرے باغ بہشت دا تو ہی مالک خود بول بول خود بول روح مثال شہادت تو ہی سمجھ سنا نہ بھول یار فریدا کو لیتے دے نہ بے ہودار یار فریدا کو لیتے. اب آپ سمجھ گئے کہ اس پوری کائنات کی قیمت کس سے ہے؟ انسان کے دم سے. اور انسان کی قیمت پیروں نال, ہتھاں نال یا پیٹ نال؟ نہیں. اب تھوڑا سا ظاہر ہے کہ تقریب کیوں میں یاد کر کے آیا ہوں, تیرا جس نے دیا ہوتا ہے سبق وہی سنتا. اس کائنات کی قیمت انسان کے دم سے, انسان کی قیمت دل سے. دل انسان کا نکال دو آنکھ.